प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा बिना फीस का कर दिया, लेकिन धनवानों के लिए अलग विद्यालय चल रहा है। सारे विद्यालय अनाथालय बन गए। संविधान को बचाने के लिए कोई मुझे बता दे, ये मूर्तियां तोड़ना उनकी एक शुरुआत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का आज एक बार फिर से गुस्सा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को लेकर फूटा। देखिए, आज डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती समारोह काफी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ प्रदेश भर में मनाई जा रही है और राजद कार्यालय में भी मनाई जा रही है। जगदानंद सिंह जैसे ही मंच पर पहुंचे, उन्होंने अपने भाषण के दौरान जमकर निशाना साधा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर, और क्या कुछ कह रहे हैं जरा आप वो सुनिए। क्या आप डॉक्टर लोहिया के रास्ते में जा रहे हो? स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्री काल में अंबेडकर साहब को किस तरह माना? जब पहली बार मुख्यमंत्री हुए तो धन की बदौलत शिक्षा लेने के लिए खत्म कर दिया और सबको समान शिक्षा का अवसर उन्होंने किया। प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा बिना फीस का कर दिया। आओ सभी पढ़ो। स्कूलों को बंद करने की हैसियत इनकी नहीं है, लेकिन धनवानों के लिए अलग विद्यालय चल रहा है और बाकी आपकी संतानों के लिए क्या चल रहा है ठीक से आप समझ लेना। सारे विद्यालय अनाथालय बन गए। भारत को अनाथालय बना लेना चाहता है। अंडानी अंबानी ने देश को खरीद लिया। लालू जी ने क्या किया? अन्य उनकी बातों को छोड़ दो, सामाजिक न्याय की, लेकिन ज्ञान अर्जित करने की बात जो अम्बेडकर साहब ने कहा था, जिस पर कर्पूरी ठाकुर चले, उसके लिए एक नारा दिया, पढ़ो या तो मरो। ज्ञान नहीं तो आप निर्जीव हो, मृत्यु समान। कौन मार रहा है? मोदी नहीं मार रहा है, आप स्वयं मरने के लिए तैयार हैं। क्या है इस देश में? संविधान को बचाने के लिए कोई मुझे बता दे, ये मूर्तियां तोड़ना उनकी एक शुरुआत है। वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं और जिस दिन संविधान खत्म हो गया उस दिन बाबा साहब का नामो निशान ये लोग मिटा देंगे। संविधान बचाने की जहां बारी है, तहां हिंदू राष्ट्र बनाने में बैठे हुए लोगों है क्या बचा रहे हो? तो आपने सुना, जहां एक तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते नजर आ रहे हैं जगदानंद सिंह, वहीं गुस्से में सीएम नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि देश और बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफी खराब है और कहीं ना कहीं जो पिछले पैदान पर खड़े हैं उन्हें और दबाया भी जा रहा है। गरीब वर्ग को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनका भी शोषण हो रहा है। खैर, लाइफ स्टीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।